हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टी बाय मेहर। तो आज मैं आपके साथ जो लुक शेयर करने वाली हूँ वो होने वाली है पंजाबी ब्राइडल मेकअप लुक। सो ये बहुत ही प्यारी लुक होने वाली है। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल का फेस क्लीन करवा लिया है। देन मैं सेकेंड स्टेप करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पर मैं प्रॉश ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो कि प्राइमर भी है। सो आपको अलग से प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम अच्छी गुड क्वान्टिटी में पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ फॉर एप्लीकेशन, आप चाहें तो हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनली स्प्रेड करने के बाद हम इसे 30 सेकंड का रेस्ट देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं आई मेकअप से। तो आई का सबसे पहले हम बेस बना लेंगे। मैं यहाँ पे क्रीम कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, टार्ट शेप टेप का। आप चाहे जो मर्जी कंसीलर यूज़ करिए, बट उसका जो थिकनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। और बहुत ही हल्के हाथों से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथों से हमें यहाँ पे ब्लेंड करना है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अदरवाइज़ जो भी बेस हमने लगाया है वो ब्यूटी ब्लेंडर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे पाउडर से सेट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, और ये वाले शेड के साथ में मैं क्रीज, आउटर क्रीज और इनर क्रीज पे इसे ब्लेंड करूँगी, जिससे कि हमें एक ट्रांजिशन शेड भी मिल जाएगा और आइज़ पे वर्क करने के लिए एक प्लेस भी मिल जाता है, डेप्थ मिल जाती है। सो इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे मैं क्रीज एरिया पे, आउटर क्रीज एरिया पे और इनर क्रीज एरिया पे इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। दोनों ही आइज़ पे हम सेम कलर डिपॉजिट करेंगे और देन उसे ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम सेकंड कलर लेंगे जो कि मैंने प्रॉश के पैलेट से लिया है, और उसे भी हम क्रीज एरिया पे, आउटर क्रीज एंड इनर क्रीज पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ी आइस को और डेप्थ मिलेगी। उसे अच्छी तरीके से हमारे प्रीवियस कलर के साथ में मिक्स करते हुए हमें ब्लेंड करना है दोनों ही आइस पे। अब उसके बाद एक गोल्डन शिमर शेडो लेकर के मैं आईबॉल एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से अप्लाई करेंगे तो शिमर शेडो जो होता है वो अच्छे से पे ऑफ निकलता है, उसका कलर काफ़ी अच्छे से डिपॉजिट होता है आईज़ पे। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं एक ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसे आउटर सी बनाते हुए आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ में ब्लेंड करेंगे, जिससे कि आईज़ को और ज़्यादा ड्रामेटिक लुक और ज़्यादा डेप्थ मिलेगी। सो बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ही कम आपको डार्क शेड लेना है, बिकॉज़ डार्क शेड जब भी हम लेते हैं तो वो बहुत ही इंटेंस होकर के आईज़ पे अप्लाई होता है। तो आप पहले जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसे डैप कर लीजिए, जो भी हमें वहाँ पे डिपॉजिट करना है कलर वो आउटर क्रीज पे होना चाहिए, और उसके बाद जो भी ब्रश में लेफ्ट ओवर होता है वो हमें इनर क्रीज पे लेकर के आना है लाइक दिस। तो दोनों ही आईज़ पे मैं सेम शेडो अप्लाई कर लूँगी। अपना आईज़ पे और ड्रामा क्रिएट करने के लिए और थोड़ा अलग करने के लिए इस बार हमने स्विच किया है ब्लैक काजल से, यहाँ पे मैंने मेटैलिक ग्रीन काजल यूज़ किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको जानना हो कि मैंने किस ब्रांड का कौन सा कलर यूज़ किया है, या आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं किस ब्रांड का काजल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं लाइनर की तरह इस काजल को अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही प्यारा पिगमेंट है इसका, और काफ़ी मतलब स्मूथ है, वन ग्लाइड पे ये एप्लीकेशन होता है, काफ़ी अच्छा है। आज हम यहाँ पे ब्लैक लाइनर जो है वो स्किप करने वाले हैं। इसे हल्का हल्का सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। अभी सेम आई शेडो पैलेट से मैं एक लाइट शिमर शेड ले रही हूँ और उससे मैं ब्रो बोन हाईलाइट करूँगी और इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी। इससे आँखें बहुत अच्छी दिखती हैं, काफ़ी पॉपअप होकर के निकलती हैं, और आई शेडो लगाने के बाद ना हमारा आईब्रो वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर जाता हुआ दिखता है, तो उसे उभारने के लिए भी हम ये करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर इफ़ेक्ट आता है। आज का जो लुक है उसमें मैं ग्लिटर भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हमने गोल्डन शिमर शेडो लगाया था उस एरिया पे बिल्कुल हल्का हल्का हमें ग्लिटर ग्लू अप्लाई करना है। देन उसके बाद फ्लफी ब्रश के साथ में यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ।
गाइज़, अगर आपको भी मेरी मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती है ये ट्यूटोरियल, मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझा पाती हूँ या नहीं, या अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज़ आई नीड इट। एंड देन हम शुरू करते हैं अपना फेस का मेकअप। तो यहाँ पे जूई इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने मैक का स्ट्रोब क्रीम यूज़ किया है इन द शेड पिंक लाइट, और उसे जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए, और आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन जो भी डिसकलरेशन है उसे हम हाइड करेंगे इनके स्किन टोन से दो शेड डार्कर कंसीलर के साथ में। तो यहाँ पे मैंने टार्ट का शेप टेप कंसीलर लिया है इन दी शेड डीप टैन। उसे मैं जो भी मुझे डार्कनेस और रेडनेस जो भी दिख रही है, आज यहाँ पे हम ऑरेंज कंसीलर स्किप करेंगे और सिर्फ डार्क कंसीलर के साथ में ही इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो बहुत ही नेचुरल सा बेस चाहती हैं, तो उसमें भर भर के प्रोडक्ट्स नहीं लगाना है। हल्का फुल्का अगर स्पॉट्स अगर नज़र आ रहे हैं, हल्के फुल्के वैसे तो आपने हाइड करनी है, और बाय चांस अगर हल्के फुल्के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज हम बहुत ही थिकनेस वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हल्की फुल्की दिखेगी उसकी गुंजाइश है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज रियल स्किन ही मांगती हैं आजकल की ब्राइड्स। तो या यहाँ पे मैं कोई भी ऑरेंज कंसीलर या रेडनेस को हाइड करने के लिए कोई भी ग्रीन कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डार्क एक ही शेड के साथ में काम कर रही हूँ फॉर हाइडिंग आर ऑल द प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन भी मैक का यूज़ करने वाले हैं जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं होती है, बिल्डेबल कवरेज होता है, तो उसके साथ में हम यहाँ पर काम करेंगे। सो फाउंडेशन यहाँ पे मैं आज ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देनी थी, ये ऑलरेडी काफ़ी फेयर स्किन टोन की थी, प्लस बहुत ज़्यादा इनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ थोड़ी सी रेडनेस थी बट वो हमने कंसीलर से कवर कर ली थी, इसलिए यहाँ पे मुझे अगर बहुत हाई कवरेज चाहिए होता तो मैं ज़रूर ब्रश से एप्लीकेशन करके ब्रश से ही ब्लेंड करती, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ जो कि डैम्प है, और उसी से मैं सारे फेस पे यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो कवर करूँगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट द नेक एरिया। अभी मैंने नेक एरिया पे कुछ भी नहीं किया है बट मैं करने वाली हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ नेक एरिया को। और यहाँ पे अब हम हाईलाइट कर लेंगे जो भी हमारे हाईलाइटिंग के पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे जो मैंने आई बेस बनाने के लिए शेप टेप का कंसीलर लिया था, सेम उससे ही मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग करूँगी और इनके फीचर्स को थोड़ा और उभारूँगी। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपने कवरेज ज़्यादा नहीं देनी है तो आपका फाउंडेशन बहुत थिन ही अप्लाई हुआ है और इनके स्पॉट्स वगैरह जो हैं वो थोड़े विजिबल हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो मैंने हाइलाइटिंग शेड लगाया है ना वो आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। देन उसके बाद उसे थोड़ा सा फेस में एब्जॉर्ब होने दो, थोड़ा सा ड्राई होने दो, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा है वो आप ब्लेंड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत हैवी कवरेज नहीं देना है, बहुत लेयरिंग नहीं देनी है। चलो हमने नेक को भी बेस कर दिया है, पाउडर से सेट कर दिया है, अब बारी आती है क्रीम कॉन्टोर की। तो यहाँ पे फॉरएवर 52 का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड कॉन्टोर है ये, अब क्रीम कॉन्टोर भी कह सकते हो, और उसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी देन उसे ब्लेंड करूँगी। इनका फॉरहेड थोड़ा ब्रॉड है इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा कॉन्टोरिंग का यूज़ किया है, सॉरी, और इनके फेस को हमें थोड़ा चिजल्ड भी दिखाना था इसलिए भर भर के कॉन्टोर किया है हमने। सो यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्लेंडिंग पर्पस, और यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो आप।
एंड उसके बाद आ जाते हैं मेरा फेवरेट पार्ट जो कि है ब्लश, और क्रीम ब्लश मुझे बहुत पसंद है। इससे ना एक वो विदन वाला ग्लो दिखता है जो कि बाद में जब मेकअप पूरा सेट हो जाता है ना फेस में, वो इतना प्यारा लगता है, एकदम नेचुरल सा लगता है, वो बहुत ही पसंद है मुझे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट का क्रीम ब्लश जो कि पॉट में आता है, और उससे पहले मैंने ब्रश में ही ब्लेंड किया था। वैसे सारी वीडियोस में आप देखोगे तो मैं डायरेक्टली उसे हाथ के हेल्प से या डायरेक्ट मतलब वो एक डिपॉजिट वाला ब्रश होता है ना उससे ही लगाती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा सा लगाती हूँ मतलब, और इसमें मुझे बहुत ही सटल सा चाहिए था इसलिए पहले मैंने उसे अपने हाथ में इमल्सीफाई किया, देन उसे ब्रश पे लेकर के बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई किया कि वो बिल्कुल ब्लेंडेड सा ऑलरेडी, उसे बहुत ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब मैं लगाई तो वो ऑलरेडी ब्लेंड हुआ ही दिख रहा था। सो इस तरीके से हमने और एक बात गाइज, आप मुझे कमेंट में बताना कि हमने इनके फेस को पतला दिखाने के लिए एक तो कॉन्टोरिंग करी जो कि मैंने आपको बताई, ब्लश हमने कैसे अप्लाई किया कि इनका फेस थोड़ा चिजल्ड और पतला सा दिख रहा है। अदरवाइज़ जो मेरी बाकी वीडियोज़ होती हैं वो ब्लश मैं अलग तरीके से लगाती हूँ, इसमें ऐसा कौन सा टेक्निक मैंने फॉलो किया है कि इनका फेस बहुत स्लिम सा दिख रहा है। उसके बाद बारी आती है लिप को हमारे मॉइस्चर देने की और उसे अच्छी तरीके से हाइड्रेशन देने की। अभी सारा लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर लेने के बाद, उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देने के बाद, अब बारी आती है बेकिंग की। तो अंडर आई सेट करेंगे हम, बट उससे पहले जो भी क्रीजेज एंड लाइंस पड़ी होंगी अंडर आईज़ के नीचे, उसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद बहुत ही हल्का हल्का सा लूज़ पाउडर हम पहले आईज़ पर सेट करेंगे, और वो भी डायरेक्ट पॉट से लेकर के हम नहीं लगाएंगे, पहले पॉट से लेंगे देन एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे, और उसके बाद ही हमें उसे लगाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो पैच पड़ जाता है। तो इस तरीके से अंडर आई को पहले ब्लेंड करें और उसके बाद लूज़ पाउडर से यहाँ पे सेट करें, और उसके साथ ही साथ मैं सारे फेस को भी बेकिंग कर दूंगी और अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। बेकिंग हो जाने के बाद अब बारी आती है लोअर आइज़ की। तो यहाँ पे मैं रिकोट का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इनकी लोअर आइज़ पे। इनकी आइज़ ना बहुत सेंसिटिव थी, ये प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, ये मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं, मेरी ही बिल्डिंग में, सो ये मेरी नेबर है, तो इनका मुझे मेकअप करना था बिकॉज़ इनके फेस फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी। तो इन्होंने ना अपनी लाइफ में कभी काजल नहीं लगाया, और एक आधा बार लगाया भी होगा तो वो वाटरी हो जाती है इनकी आईज़, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें। उसके बाद एक पतली सी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ में हमने यहाँ पे लोअर लैश में शेडो अप्लाई कर दिया। जो शेडो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था सेम वही शेडो के साथ में यहाँ पे इनके लोअर आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। अब हम इनके फेस को ब्रॉन्ज करेंगे। तो जहाँ पे हमने कॉन्टोर इस्तेमाल किया था ना, बस वहीं पे हमें ब्रॉन्ज़र इस्तेमाल करना है। ब्रॉन्ज़र यहाँ मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग करी थी वहीं पे हमें ब्रॉन्जिंग करनी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी ड्रॉप कर दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे से रील्स एंड कंटेंट शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन हम इनका फेस जो है वो सेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक का फिक्सर, और उसे इस तरीके से हम फैन की हेल्प से फेस में एब्जॉर्ब करवा देंगे। और फिर अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैं PAC का अपना फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं ऑलमोस्ट सब पे यूज़ करने लगी हूँ आजकल, और इसे मैं हमेशा फिक्सर यूज़ करने के बाद ही अप्लाई करती हूँ बिकॉज फिक्सर या फेस सेटिंग करने के बाद जो हाइलाइटर का जो एक पिगमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, तो काफ़ी प्रिटी सा दिखता है एक ग्लो। सो इस तरीके से हम फिक्सर के बाद अप्लाई करेंगे और भर भर के हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे नोज़ पे, और इनका फॉरहेड बहुत ब्रॉड है तो हम बीच में यूज़ नहीं करेंगे फॉरहेड के, बल्कि आईब्रोज़ के ऊपर जो ब्रॉ बोन होती है उसके जस्ट ऊपर पे हम इसे अप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा नेक एरिया पे भी।
उसके बाद हम इनकी ब्राउ डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले स्पूली से सारा जो इनका ब्राउज है ना वो ब्रश आउट किया है, जिससे कि जो भी फाउंडेशन और पाउडर प्रोडक्ट लगा होगा वो सारा ब्रश आउट हो जाएगा। और उसके बाद हेयर के गैप में जहाँ जहाँ पे हेयर्स नहीं है, जहाँ जहाँ पे गैप ज़्यादा है, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट फिल करना है। और फ्रंट की तरफ में हमें प्रोडक्ट कम रखना है, जो भी ब्रश में लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होगा उससे ही हमें फेदर लाइक एक क्रिएट करना है। क्योंकि आप ध्यान दोगे हमारी ब्राउज स्टार्टिंग टू एंड एकदम प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल डार्क नहीं होते हैं, फ्रंट के तरफ में थोड़े से लाइटर शेड में होता है, देन जो बीच का एरिया और लास्ट का एरिया होता है वो अच्छा डेंस दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पहले ब्राउ के बीच में उसे फिल करना है, देन उसे शेप देते हुए लास्ट तक लेके जाना है, और जो भी ब्रश में लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उससे ही हम फ्रंट के हेयर को उसे सेट करेंगे जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद एक बार वापस से ब्रश आउट कर दीजिएगा, जिससे कि अगर प्रोडक्ट आपका एक साथ एक जगह पे लग भी गया हो तो वो ब्रश के साथ में मर्ज होकर के सारे हेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है मस्कारा की, तो यहाँ पे मैं रिकोट का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से कर्ल करते हुए हमें लैशेस पे अप्लाई करना है। देन थोड़ा सा पाउडर ब्लश, तो यहाँ पे मैं आई मैजिक का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 6 कलर्स आते हैं, 3 जो है डीपर स्किन टोन्स के लिए होता है, और 3 कलर्स जो होते हैं वो मीडियम टू फेयर के लिए होता है। सो उससे मैंने पीच कलर और पिंक कलर को मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई किया है, और डायरेक्टली मैं देखो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पहले मैं उसे पाम पे रब कर रही हूँ, एंड देन जो भी लेफ्ट ओवर है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ही इंटेंस यहाँ पे ब्लश नहीं चाहिए। उसके बाद फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं लैशेस, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था, शूट भी करना है गाइस। सो चलिए हम फटाफट से लैशेस वगैरह अप्लाई करके उसके बाद का स्टेप आपको दिखाते हैं। लैशेस इनकी काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी बिकॉज ऑफ वाटरी आईज, लाइट जो हमने रिंग लाइट्स यूज़ करी थी, रिंग लाइट ऑन थी, तो उसके वजह से भी इनको काफ़ी पानी आ रहा था आईज़ पे, तो एक साइड की लैश जो है ना वो बार बार निकल जा रही थी क्योंकि पूरे इनकी लैशेस पे पानी भरा हुआ था। तो हमने थोड़ा सा होल्ड किया, उसे ड्राई होने दिया, लाइट्स वगैरह सब बंद करी, उसके बाद कहीं जाकर के इनके लैशेस जो हैं वो स्टिक हुए। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लिप लाइनर, तो लिप लाइनर एज ऑलवेज मेरा फेवरेट था, ब्राउन कलर का, जो कि मैं कलर बार का यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्राउ पेंसिल है, काफ़ी स्मूथ ग्लाइड होता है, एक बार में अच्छा पे ऑफ निकलता है। सो इस तरीके से मैं इनके सारे जो भी आउटलाइन कर लूँगी। लिपस्टिक यहाँ पे मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैट रिकोड यूएसए की, शेड नंबर है आई थिंक संडे है। सो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, और अब उसके बाद हो जाता है हमारा मेकअप रेडी। तो फटाफट से अब हम टचअप करेंगे, इनकी ज्वेलरी वगैरह सेट करेंगे, एक बिंदी लगाएंगे प्यारी सी, और दिखाती हूँ मैं आपको इनका फाइनल लुक। अगर ये लुक आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले गाइज। आई नो मैं बहुत ही कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डालती हूँ, आपके साथ अटैच नहीं रह पाती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं कोई लुक शूट करूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसी लगी, और देखिए इनका फाइनल लुक।